नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। दोस्तों याद रखना, ये सभी क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में दोस्तों जीके आती, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस, स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम हो, फोर्स का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जिस एग्जाम में जीके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना, और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी आपके डाउट हैं साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नंदा देवी पर्वत है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी पर्वत। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, दिल्ली किस नदी के किनारे बस है? सुपरफास्ट क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर? यमुना नदी के किनारे पर बसा है दिल्ली। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कटक किस नदी के किनारे बसा है? बहुत बार एग्जाम में आता है, कटक दोस्तों उड़ीसा राज्य में है और ये महानदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? किसने किया पराजित मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम? भीम दवित्य ने किया था। किसने किया था? भीम दवित्य ने किया था मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भीम दवित्य। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विजयनगर राजे का प्रथम राजवंश कौन था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, संगम वंश। विजयनगर राजे का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश था। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके मकबरा ने किसके मकबरा में पहली बार दो गुंबदों का प्रयोग किया गया? किसके मकबरा में? सिकंदर लोदी के मकबरा में पहली बार दो गुंबदों का प्रयोग किया गया। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सिकंदर लोदी। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं विश्व में? दोस्तों भारत में है सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंद्रीय उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? बिल्कुल प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ सेंद्रीय उर्वरक कारखाना। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था सेंद्रीय उर्वरक कारखाना। नेक्स्ट, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी स्थित है मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कुल्लू घाटी। नेक्स्ट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्क रेखा। नेक्स्ट साथियों, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर कहा जाता है। साथियों ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के मुख को। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्रेटर। ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इनमें से दोस्तों भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी नहीं बनाती है साथियों डेल्टा। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ताप्ती नदी नहीं बनाती है डेल्टा। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ईश्वरी कहा जाता है साथियों। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को कहा जाता है ईश्वरी। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ईश्वरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में आता है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है दोस्तों,
संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा? डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बांस डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं? तीन वाचन होते हैं कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में। सी ऑप्शन रहेगा साथियों राइट आंसर, तीन वाचन। नेक्स्ट, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या कहलाता है? मैग्मा। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैग्मा। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है दोस्तों प्रेरी। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, प्रेरी कहा जाता है। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहा जाता है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सवाना ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इंग्लैंड। नेक्स्ट, मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मासेपी अभिक्रिया का, उष्मासेपी अभिक्रिया का उदाहरण है मोमबत्ती का दहन। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दोस्तों, उष्मासेपी बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है? वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है दोस्तों, वर्गीकी का जनक। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्ल लिनियस। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्ल लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी का जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई? किस वर्ष आरंभ की गई दोस्तों महिला समृद्धि योजना? तो 1993 में याद रखना आरंभ की गई थी महिला समृद्धि योजना। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1993 में, 1993 में ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? पहली बार आई है, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, डेली क्लास लेकर आते, डेली क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? हैदराबाद ने की थी, हैदराबाद ने। भी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट है, गंधार शैली का संबंध किससे है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है ये, गंधार शैली का संबंध किससे है दोस्तों? मूर्तिकला से है, याद रखिएगा गंधार शैली का संबंध। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मूर्तिकला ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? किस वर्ष? 2013 में लागू की गई थी भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 2013 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 8 वर्ष के लिए चुनाव होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 8 वर्ष सी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है? बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है? फ्रांस को माना जाता है दोस्तों, बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है? बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता फ्रांस को माना जाता है साथियों, बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की थी? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की थी? बी एम मिन्हास ने की थी। किसने की थी? बी एम मिन्हास ने की थी प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बी एम मिन्हास डी होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई साथियों? अमेरिका के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट है, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो 1862 में, 1862 में की गई थी साथियों मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी, ठीक है, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन है दोस्तों? अरुण सोरी है, याद रखना, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सोरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है, बांग्लादेश से है चकमा शरणार्थियों का संबंध, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, बांग्लादेश आंसर होगा हमारा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? जम्मू कश्मीर राज्य अग्रणी है दोस्तों, ठीक है, सेब के उत्पादन में, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी में हुआ था मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चौथी शताब्दी, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है साथियों? कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर, ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मोरारजी देसाई, डी रहेगा राइट आंसर, कहां? भारत में, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? बहुत बार एग्जाम में आता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है अमरनाथ गुफा, ठीक है, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है दोस्तों? मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मेरा भारत महान, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास की फसल के लिए दोस्तों उपयुक्त है काली मिट्टी, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कपास। नेक्स्ट, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पैराफीन है दोस्तों, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पैराफीन, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पैराफीन। नेक्स्ट है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान की खेती है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धान की खेती। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों टमाटर सॉस में, ठीक है, टमाटर सॉस में दोस्तों क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बी रहेगा राइट आंसर, एसिटिक अम्ल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, अफ्रीका में स्तोषण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? विल्डस कहलाते हैं, अफ्रीका के स्तोषण घास के मैदान, डी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से चल सकती हैं? किस माध्यम से? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की जो गति वो न्यूनतम होगी, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? तो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं प्राकलन समिति के सदस्य, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, केवल लोकसभा, ए होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? किसने की थी दोस्तों प्रारंभ बहिष्कृत भारत पत्रिका? बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रा बोर्न स्टेडियम दोस्तों कहाँ स्थित है?
ब्रा बोर्ने स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है ब्रा बोर्ने स्टेडियम, याद रखिएगा। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर मुंबई, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है भारत में संघ राज्यों का शासन, दोस्तों बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राष्ट्रपति बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त है, छठा आवर्त सी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है छठा आवर्त, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? दोस्तों पहला आवर्त है आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पहला आवर्त। ठीक है, नेक्स्ट, गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? सात होती है साथियों, ठीक है, सात होती है गर्दन में कशेरुकी की संख्या, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? बिल्कुल दोस्तों 42वें संविधान की 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है, किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? दोस्तों मथुरा संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में दोस्तों मिलता है कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मथुरा संग्रहालय ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तीन बार होती है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तीन बार। नेक्स्ट साथियों, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1781 में, 1781 में, 1781 में हुई थी अरुण ग्रह की खोज, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1781 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बिल्कुल 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 23.5 डिग्री। देखिए नेक्स्ट है, जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों 1772 में बनाया गया था जिला कलेक्टर पद, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1772 में। ठीक है, चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है? तो याद रखना बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु दोस्तों कर्नाटक राज्य की राजधानी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, मुंबई शहर को, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। लीजिएगा नेक्स्ट, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। कौन था? बटुकेश्वर दत्त, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बटुकेश्वर दत्त सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? आग्नेय सेल में दोस्तों पाया जाता है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आग्नेय सेल सी ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों तमिलनाडु है, याद रखना पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तमिलनाडु डी होगा दोस्तों राइट आंसर। देखिएगा, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? कौन है विकिपीडिया के संस्थापक? जेमी वेल्स हैं, जेमी वेल्स दोस्तों विकिपीडिया के संस्थापक हैं, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जेमी वेल्स सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जेमी वेल्स। नेक्स्ट है, महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ कैसा रहता है? घटता है दोस्तों, महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ, ये रहेगा राइट आंसर, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अगर दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मेटीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है मौसम का अध्ययन, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मेटीरियोलॉजी ये रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, मेटीरियोलॉजी। ठीक है, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
ओलंपिक बॉक्सिंग में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है? तो नोकोलस एडम्स है, नोकोलस एडम्स है दोस्तों, याद रखना ठीक है। ओलंपिक बॉक्सिंग में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नोकोलस एडम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने? चार प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? चार प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में दोस्तों कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं कॉकरोच के हृदय में, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 13 कक्ष। नेक्स्ट है, एशिया का दिल किसको कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एशिया का दिल कहते इस्तांबुल को, इस्तांबुल को कहा जाता है एशिया का दिल, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। एशिया का दिल कहा जाता है किसको? इस्तांबुल को एशिया का दिल कहा जाता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इस्तांबुल। नेक्स्ट है, हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? दोस्तों बिल्कुल ECG के द्वारा हृदय की बीमारी को पहचाना जाता है, EEG के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है, बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, सेमोफाइट कहते हैं, सेमोफाइट कहते हैं दोस्तों बालू पर उगने वाले पौधों को, पौधे को, सी ऑप्शन रहेगा आज राइट आंसर। बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सेमोफाइट कहते हैं, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सेमोफाइट, सी रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड पूछा है दोस्तों किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था काकोरी कांड, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1925 ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेंढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार मेंढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं साथियों? 26 गुणसूत्र मौजूद होते हैं मेंढक में, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मेंढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 26 गुणसूत्र, ठीक है। नेक्स्ट, उजला सोना कहलाता है, इनमें से किसको कहा जाता है उजला सोना? बिल्कुल कपास को कहा जाता है दोस्तों उजला सोना, उजला सोना किसको कहा जाता है? कपास को, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कपास को दोस्तों उजला सोना कहा जाता है, ठीक है ना। देखिएगा, नेक्स्ट है, भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था साथियों? 1937 में अलग हुआ था, 1937 में, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1937, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? गोल्डन पैगोडा मंदिर दोस्तों कहाँ है? म्यांमार में है गोल्डन पैगोडा मंदिर, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, म्यांमार। नेक्स्ट है, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? समुद्री घास में दोस्तों क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है, क्या दोस्तों? आयोडीन पाया जाता है समुद्री घास में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आयोडीन, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट है, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत बड़े एग्जाम में आता है, मानचित्र के अध्ययन को दोस्तों कार्टोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं मानचित्र के अध्ययन को, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्टोग्राफी, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? फटाफट जवाब देंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 प्रकोष्ठ होते हैं मेंढक के हृदय में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 3 प्रकोष्ठ, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में दोस्तों कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार के, कुल 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 24 प्रकार के, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में दोस्तों पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जनजाति, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? कहाँ? हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? मालदीव है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मालदीव बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप है दोस्तों वह महाद्वीप जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, सी रहेगा राइट आंसर, यूरोप यूरोप। नेक्स्ट है, द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आइसलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? आइसलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? एल्थिंग कहा जाता है, याद रखिएगा आइसलैंड की संसद को। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आइसलैंड की संसद को कहा जाता है एल्थिंग, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर एल्थिंग। देखिएगा नेक्स्ट है, ब्रिटेन का राष्ट्र चिन्ह क्या है? क्या है? गुलाब का फूल है। ब्रिटेन का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, गुलाब का फूल बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बर्नामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बिल्कुल दोस्तों मलेशिया देश की समाचार एजेंसी है बर्नामा। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर, बर्नामा किस देश की समाचार एजेंसी है? मलेशिया की है। नेक्स्ट, ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ओटावा किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों ओटावा। ठीक है, ओटावा है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश तरंग कैसी तरंगी है? फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं प्रकाश तरंग, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था प्रतिपादित? फैराडे ने किया था दोस्तों वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फैराडे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? एसिटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में, क्या? एसिटम कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एसिटम डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दवा बनाने में कौन काम में आता है? इनमें से कौन काम में आता है दवा बनाने में? बेंजोइक कमल काम आता है, बेंजोइक कमल। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बेंजोइक कमल। नेक्स्ट है, शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? ऑर्थोक्लोरोफिनोल का प्रयोग किया जाता है शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑर्थोक्लोरोफिनोल। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है साथियों? ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा पृथ्वी की भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व दोस्तों कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, फ्लोरीन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? इनमें से कौन सा ग्रह करता है दोस्तों हरा प्रकाश उत्सर्जित? तो वरुण ग्रह करता है हरा प्रकाश उत्सर्जित, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग दोस्तों पहली बार क्लास में आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।